बीजान आने वाली है ना। अच्छा, शामी कबाब तो फ्रीजर में बने रखे, अगर आप चटपटे से चपली कबाब बना दे तो क्या ही बात। चखारे वाली बिरयानी और कढ़ाई जरूर बनाइएगा, और भाई मीठे में शाही टुकड़े कर लें, चाहे तो ट्राइफल बना लें, या दोनों चीजें एक साथ ही बना लीजिएगा। और हाँ, वो बीजान बता रही थी राफे को ब्रोस्ट और चिकन टिक्का बहुत पसंद है, को दोनों चीजें बनानी है। ठीक है, मैं बना लूंगी। तायमी, खाना बना लिया आपने? टेबल पे भी लगाना है? हाँ बेटा, बस बिरयानी दम पर है। चलें ठीक है। और ये कबाब आपने बस इतने से बनाए हैं? नहीं बेटा, और भी बनाए, फ्रिज में रखे, अभी फ्राई कर देती हूँ। नहीं नहीं, आप बस कबाब निकाल दें, फ्राई मैं कर लूंगी। और सुनो, तुम एक काम करो, प्लीज रायता भी बना लो ना, सलाद तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। हाँ बेटा, अभी बना देती है। जाओ। गुड। अच्छा वैसे ताई अम्मी, आपने मीठा भी तो बनाया था ना? हाँ बेटा। चलें गुड, आप एक काम करें, फ्रिज से वो निकाल लें, मैं टेबल पे लगा दूंगी। बिरयानी को दम लगा रही है, कबाब फ्राई कर रही है, इसको बोले हमारी जिंदगी पे एहसान करने की जरूरत नहीं है। जब आप इतना सारा काम खुद कर सकती है ना, तो ये भी कर लेंगी। आप मना करके आए उसे? मुस्कान, कोई बात नहीं, जो कह रही है कर दो। वाह अम्मी, ये क्या बात हुई? इतनी गर्मी में आप काम करें और सारा खाने का क्रेडिट भी जान के सामने वो ले जाए। और चाची को तो वैसे भी बहाना चाहिए ना, और अब तो मौका भी मिल गया बीजान के सामने अच्छा बनने का। ये देखे ना, मेरी रोज कितना अच्छा खाना बनाती है। अम्मी, ये आपकी वजह से होता है, आप चुप रहती ना तभी ये सब होता है। कोई बात नहीं मुस्कान, मैं बस घर में मसले नहीं चाहती। मर्जी अम्मी आपकी। देखिए इक्तदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।